तो ये हमारा आ गया हाइंड लिम्ब। ये देखिए कर रहा है फाइन। तो ये हमारा हाइंड लिम्ब का बोन्स है, देख रहे हो। तो ये गर्डल आ गया, ये आपका फीमर आ गया, ये आपका पटेला आ गया, ये आपका टिबिया आ गया एंड ये आपका फिब्युला आ गया। अभी जब आप प्रिंट आउट निकालोगे ना, अभी नहीं निकालना प्रिंट आउट, जब मैं लास्ट डायग्राम दूंगा तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है? तो आपका ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट आएगा, नहीं तो अभी बार बार निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए अभी आप उसको रखते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर अल्टीमेटली आप एक प्रिंट आउट निकाल के आपका एक पूरा एक नोट बन जाएगा, समझे कि नहीं? तो यू कैन स्ट्रेट अवे यूज इट एज ए नोट। मैं क्या बोल रहे हो? चलिए, एंड यू कैन गिव इट टू योर कालू फ्रेंड्स ऑल्सो। मैं यस सर, क्या बोल रहे यस हो? सर, अच्छा, मन नो इज गिविंग, सर, नो नो सर, दैट। पता चल गया कौन दे रहा है, किसने लीक किया हमारे ट्रेड सीक्रेट्स। चलिए, तो फाइन। सो ये हमारा आपका आ गया हाइंड लिम्ब नोट्स। तो हाइंड लिम्ब्स में हम लोग अलग अलग बोन्स दिखा सकते हैं। तो उसमें आ जाएगा हमारा फीमर एंड कॉक्सा। फाइन, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो चलता भी नहीं अपने आप, उठा उठा के ले जाते। फाइन, तो ये हमारा फीमर वाला बोन है एंड हाउ इट इज अटैच टू द कॉक्सा, ठीक है? उसके बाद नीचे का टिबिया फिबुला उठा कर आएंगे। टिबिया फिब्यूला अलग सा किधर है? फाइन, तो ये आ गया हमारा टिबिया एंड फिब्यूला। चलिए ऊपर। फाइन, तो ये हमारा टिबिया फिब्यूला आ गया एंड आ गया हमारा क्या, योर फीमर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या लाएंगे। कहाँ गया? फाइन, तो अब आ जाएगा हमारा फुट, एंकल एंड फुट। तो इसमें हम लोग ले आएंगे एंकल एंड फुट का ड्राइंग। इधर से लाएंगे यस सर, या कहाँ, देखते हैं कहाँ से लाएंगे ना अच्छा सा एक फुट का ड्राइंग, या फिर उधर से उठाना पड़ेगा। चलिए, तो वहीं से उठा लेते हैं। सो फुट, इसको ब्लैक एंड व्हाइट उठाते हैं, ये अच्छा क्लियर दिख रहा है। फाइन, तो ये हमारा फुट का ड्राइंग आ गया, क्लियर। अब आ जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जॉइंट्स, ठीक है? तो जॉइंट्स में आपके अलग अलग जॉइंट्स हैं, आप जानते हो। ओके, सो जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट अलोंग द जॉइंट, ओके, दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ओके, दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फाइन, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट अलोंग द जॉइंट, ओके, तो दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन सा बताइए? ए है इमूवेबल, ओके, बी है स्लाइटली मूवेबल, ओके, मूवेबल एंड डी है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स।
ठीक है, तो ये हमारा तीन तरह का जॉइंट्स है, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो उसमें जो पहला हेडिंग आ जाएगा हमारा, सो दैट इज कॉल्ड क्या, इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट्स, या उसको हम क्या कहते हैं, सिन आर्थ्रोसिस। ओके, तो दे आर कॉल्ड सिन आर्थ्रोसिस। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। ओके, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, प्लस आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स। तो इसीलिए सिन आर्थ्रोस क्या है, फ्यूज्ड जॉइंट्स। फाइन, सो दीज आर फ्यूज्ड जॉइंट्स। ठीक है जी, तो इमूवेबल जॉइंट्स, सिन आर्थ्रोसिस। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, या इसको हम लोग फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स। ओके, सो इन दीज जॉइंट्स देयर इज ए लेयर ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द टू बोन्स। ठीक है, इन दिस जॉइंट्स देयर इज अ लेयर ऑफ WFCT बिटवीन द टू बोन्स एंड देयर इज नो मूवमेंट व्हाटसोएवर बिटवीन द टू बोन्स एट द जॉइंट। तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। Now they are of three types. Okay, क्या है, ए है सुचूरे, क्या इसको सुचर्स बोलते हैं, सुचर्स। नंबर टू इज सिंडेस्मोसिस, नंबर थ्री इज गम्फोसिस। इसको हम कहते हैं सिंडेस्मोसिस and number three is gomphosis। ठीक है, इसका डिटेल जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। अब यह आपका हो गया immovable joints। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, slightly movable joints, slightly movable joints। अब देख रहे हो कैसे पढ़ाई बढ़ता है, इसमें खत्म होने का नामो निशान नहीं दिख रहा है। देखो एक के बाद अब फिर लीवर आ जाएगा, तो देख रहे हो, तो ये स्कूल में कैसे खत्म हो जाएगा, ये सारा उड़ा दिए, फिनिश्ड। तो लाइक तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, या इसको एम्फी आर्थ्रोसिस बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ओके, सो दे आर आल्सो कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये बी है, तो इसका कलर हम लोग कर देते हैं कुछ। फाइन, नाउ इन दीज जॉइंट्स देयर इज ए layer of क्या, there is a layer of white fibrocartilage। किसी को मैं पढ़ा रहा था, पता नहीं किसको पढ़ा रहा, fibrocartilage। So in these joints there is a layer of white fibrocartilage between the क्या, between the two bones at the joint। Okay, तो between the two bones at the joint, तो इसलिए hence, okay, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, cartilaginous joints। Now there is no, okay, yeah, there is
ए वेरी लेस डिग्री ऑफ मूवमेंट परमिटेड एट द जॉइंट। ओके, तो थोड़ा सा मूवमेंट है, टोटली ये बंद नहीं है। ओके, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ए है सिनकॉन्ड्रोसिस एंड नंबर टू इज सिम्फाइसिस। ठीक है, तो सिनकॉन्ड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस ये दो तरह का जॉइंट है, इधर उसका डिटेल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, जो थर्ड कैटेगरी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीली मूवेबल। ओके, फ्रीली मूवेबल कॉमा इसको हम क्या कहते हैं, डायआर्थ्रोसिस या साइनोवियल। ओके, साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, तो फ्रीली मूवेबल, डायआर्थ्रोसिस या साइनोवियल जॉइंट्स। ये आपको का मैं पढ़ा रहा था क्या, क्योंकि किसी किसी बैच को अभी अभी रिसेंटली मैं इसको पढ़ा रहा था। आई डोंट नो स्कूल LRDAV का इसका वीडियो पढ़ा है सर, वो जॉइंट्स का। तो बहुत दिन पहले का है, LRDAV का तो क्लास बहुत दिन से बंद है, ठीक है नहीं? जो पढ़ना नहीं चाहता मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता, फिर आई लेफ्ट, मैंने मना कर दिया सर को, यार वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते बेकार में, अब मेरा दिमाग खराब। चलिए, सो इसमें क्या होता है, सो इन दीज जॉइंट्स देयर, ओके, देयर इज ए साइनोवियल apparatus, that is a synovial apparatus between the two bones at the joint. Actually ऐसा मैं आपको नहीं पढ़ाना है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूँ, because ये joint ही एक around 1.5 class खाएगा, 3-3.5 घंटा खाता है joints, ठीक है? चलिए, बिकॉज ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, गारंटेड क्वेश्चंस भी इसमें से आता है। चलिए, तो इसीलिए इन दिस जॉइंट्स देयर इज अ साइनोवियल अपैरेटस बिटवीन द टू बोन्स एट द जॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ बर्सा, बर्सा एक कनेक्टिव टिश्यू है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होगा, it is made up of bursa, फिर hyaline cartilaginous cap, okay, hyaline cartilaginous cap, उसके बाद synovial membrane which secretes synovial fluid, okay, the secret synovial fluid. So it is made up of bursa. तो ये जो synovial apparatus है, उसमें क्या-क्या है? उसमें bursa है, उसमें hyaline cartilaginous cap है, उसमें synovial membrane है, जो secret करता है synovial fluid. Now this fluid, okay, this fluid lubricates the joint. Okay, lubricates the joint and, okay, lubricates the joint and allows free movement between the two bones. Okay, now the healthy joint. Okay, इसलिए अगर आपको joint को ठीक रखना है तो आपको, okay, fluid को healthy रखना है, full stop.
If the fluid dries up, it results in osteoarthritis. Okay? तो अगर आपका फ्लूइड सूख गया तो जॉइंट जाएगा. इट रिजल्ट्स इफ द फ्लूइड ड्राइज क्या है क्या लिखा ड्राइज अप इफ द फ्लूइड ड्राइज अप इट रिजल्ट्स इन क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसको हम ग्रीन कलर कर देंगे डिजीज. एंड समझ आया तो ये बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं. सो दीज जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दीज जॉइंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ओके फॉलोइंग टाइप्स. तो नंबर वन इसको हम क्या कहेंगे बॉल एंड सॉकेट या एन आर थ्रोसिस. ओके नंबर टू है इसका छोटा भाई कॉन्डिलॉयड या एलिप्सॉयड. ओके कॉन्डिलॉयड या एलिप्सॉयड जॉइंट. उसके बाद नंबर थ्री उसी का एक रिलेटेड है सैडल जॉइंट. ये एक रेयर एग्जांपल है तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्डिलॉयड या एलिप्सॉयड जॉइंट. तापरे उसके बाद आ जाएगा पाइवट जॉइंट या रोटारिया. उसके बाद आ जाएगा क्या ग्लाइडिंग जॉइंट या इसको हम लोग कहते हैं प्लानर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज हिंज जॉइंट या इसको कहते हैं गिंगली नी. फाइन तो ये सब का भी हमें डिटेल्स आगे पढ़ना है. फाइन अ लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर जिसको हम पढ़ेंगे आगे. फाइन तो ये हमारा हो गया जॉइंट्स खत्म. उसके बाद फिर एक और टॉपिक है पेज ऐड करना पड़ेगा. मैं पेजेस ऐड कर देता हूं. उसको क्या कहते हैं लीवर्स या सिंपल मशीन्स. ओके तो एक्चुअली क्या होता है हमारे बॉडी में फंक्शन को इजी करने के लिए हम लोग लीवर सिस्टम यूज करते हैं. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. आई डोंट देखते हैं इधर फोटो अगर मिल गया तो लीवर्स का. अभी देख रहे हो आत्मन बाबू अभी भी जॉइंट खत्म बोन खत्म नहीं हुआ. उसके बाद फिर शुरू होगा क्या मुसल. लीवर नहीं है उसका फोटो डालना पड़ेगा. ओके तो ये सब डालेंगे. उसके बाद शुरू होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन. एंड एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा. ओके वी मे हैव इट टुमारो डे आफ्टर आल्सो. तो अगर आपका समय हुआ तो ओके आप महानुभावों का तो इसीलिए आप लोग फटाफट रेस्पॉन्ड करेंगे टुमारो छोड़ के बिकॉज टुमारो देयर विल बी नो क्लास. Giving due dignity to the Republic Day parade. क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने कोशिश किया कि परेड मिस ना हो. तो आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ द आरडीसी रिपब्लिक डे परेड. चलिए जॉइंट्स का फोटोग्राफ है तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ. ठीक है तो लीवर का डायग्राम नहीं है. आई एम सॉरी एट मैन. So, इसमें हम लोग इसमें कौन सा जॉइंट दिखाएंगे. पहले है इमूवेबल जॉइंट्स. ओके इमूवेबल जॉइंट्स
फिर हम दिखाएंगे तापरे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स फाइन एंड उसके बाद दिखाएंगे क्या साइनोवियल जॉइंट्स। ओके नाउ साइनोवियल जॉइंट्स का पहले हम लोग फोटोग्राफ ले आते हैं। तो ये आपका साइनोवियल अपैरेटस है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पता नहीं क्यों इसका क्वालिटी डाउन होता है। ओके तो ये आपका साइनोवियल अपैरेटस है फाइन। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर जॉइंट है। मीन्स आपका पहले है डेंस बोन, फिर आ गया स्पॉन्जी बोन, फिर आ गया आर्टिकुलर कैप, फिर ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड इसके बीच है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है तो ये आपका है ये। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसको बड़ा करते हैं। ये जो इसके अंदर आ रहा है ना इसको करता है गड़बड़। इसमें फोटो ठीक आता है तो डब्बा के अंदर आने से गड़बड़ होता है। देख रहे हो अभी कितना बढ़िया फोटो आया। ये एलिप्सॉइड है, ये बॉलेंट है, ये पाइवट है, ये हिंज है, ये सैडल है, ये आपका जो प्लेनर है फाइन। सो इसीलिए ये आपका अलग अलग ये वाला जॉइंट है। देखना है ये इंटरवर्टिबल जॉइंट नहीं है, ये दिस जॉइंट है जो नीला नीला है। मैं बना दे रहा हूँ बड़ा सा गोल ये जॉइंट। ओके डोंट कंफ्यूज। तो ये जो है ये आपका ये जॉइंट है, दिस इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके तो ये देखो ये बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट आ गया इधर। अब स्लाइटली मूवेबल का फोटो कुछ है क्या? सिंडोसिस है। फाइन ये सिंडस ये देखो फिर इधर आ गया। इस तरह से क्लियर आता है, वो जो डब्बे के अंदर आता है ना तो थोड़ा हेजी आता है। ओके एंड ये तो आपका सुचूरे है इमूवेबल जॉइंट्स। तो कोई भी स्कल का फोटो उठा लेंगे तो आपका आ जाएगा सुचूरे एक्चुअली सुचर्स को सुचूरे भी बोलते हैं ना पैर। सुचूरे फ्यूचूरे कल्चूरे आ जाओ। इसलिए पेज भर गया है तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आता है। कहाँ दिखाऊं आपको मैं सुचूरे? ये वाला दिखा देने से होगा क्या? स्कल वाला डाल देंगे। तो देख रहे हो तो ये सारे हैं सूचर्स फाइन। ये देखो सारा सूचर दिया है। सजाइटल सूचर, लैम्ब्रॉइड सूचर, स्क्वैमस सूचर। ओके ये आपका कोरोनल सूचर। तो ये सब आपका अलग अलग सुचूरे दे दिया है जो बर्बाद कर देगा आपका सुचूरे। मैं क्या बोल रहे हो? चलिए तो आप देख लो आत्मन बाबू कितना पेज हो गया हमारा इधर। तो देख रहे हो तो सो मैनी पेजेस एंड अभी हमारा मसल शुरू होगा। तो इसलिए आई हैव सेंड यू ऑल दिस। इसको थोड़ा करने का कोशिश करेंगे। अब जो नेक्स्ट पेज है हमारा शुरू होगा क्या?
मसल्स। एंड अब मसल्स का कोई स्टोरी नहीं आएगा, मसल्स बाय जेजेस। तो इसमें पहले सबसे पहला जो हेडिंग है, इसमें हम लोग मसल्स में टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो इसको थोड़ा करेंगे एक बार। इसमें आपका अलग अलग टाइप ऑफ मसल आ जाएगा, प्रोनेटर, सुपिनेटर, एडक्टर, एबडक्टर, इस तरह से सब आ जाएगा। ये मूवमेंट्स को डिसाइड करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। बोले बोले, उसके बाद हम चले जाएंगे मसल फिजियोलॉजी। मसल फिजियोलॉजी ये और मसल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ प्लीज रिमेम्बर, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द स्लाइड्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू में जो मैंने स्लाइड डिस्कस किया है वो सारा लाके इधर पेस्ट कर दूंगा। बट आपका शुरू कहाँ होगा? डायरेक्टली फिजियोलॉजी से। ओके, तो इसलिए प्लीज आप लोग वो स्लाइड्स देख लेंगे थर्सडे या जब भी नेक्स्ट क्लास से पहले। समझ रहे हो कि नहीं? कौन सा स्लाइड्स? वो सार्कोमियर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमने सार्कोमियर मसल कॉन्ट्रैक्शन में